नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, अच्छी अपडेट आ रही है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार की तरफ से। टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई है, परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है। 10th+ IIT वाले बच्चे आवेदन कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप नहीं मांगी है। 33,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। परमानेंट सरकारी नौकरी है। IIT की लगभग सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी है, लेकिन 2-3 ट्रेड ऐसी है जिनके लिए अच्छी खासी वैकेंसी है। तो बहुत ही शानदार आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अच्छी तरीके से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की तरफ से जारी किया गया। अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 जुलाई है, तो 3 जुलाई से पहले पहले आपको आवेदन करना होगा। लेकिन ऑफलाइन आवेदन में आपको बताऊंगा किस हिसाब से आपको आवेदन करना है, वो चीज काफी मायने रखती है। बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में और नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, एज लिमिट के बारे में। टेक्नीशियन की आपकी पोजीशन रहेगी, टोटल मिलाकर के 79 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 32 वैकेंसी है, EWS के लिए 8 वैकेंसी है, OBC के लिए 21 वैकेंसी है, SC के लिए 12 वैकेंसी है, ST के लिए 6 वैकेंसी है। 33,848 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष है। SC और ST को अधिकतम आयु के अंदर 5 साल की, OBC को अधिकतम आयु के अंदर 3 साल की छूट मिल जाएगी। बात कर लेते हैं ट्रेड वाइज वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले सभी ट्रेड के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बता देता हूं, अगर आपने 10th कर रखी है उसके बाद में संबंधित ट्रेड के अंदर IT का सर्टिफिकेट है मिनिमम 55% के साथ में, तो आप आवेदन कर पाओगे। कोई भी एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप नहीं चाहिए। 2 नंबर जो इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 10th के बाद में अगर आपने संबंधित ट्रेड के अंदर अप्रेंटिसशिप कर रखी है डायरेक्ट, तब भी आप आवेदन कर पाओगे। 3 नंबर एजुकेशन है, 10th के बाद में अगर आपके पास में संबंधित ट्रेड के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप आवेदन कर पाओगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए टोटल मिलाकर के यहां पे 17 वैकेंसी है। फ्रेशर्स इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वाले और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले आवेदन कर पाएंगे। अगली वैकेंसी इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल मिलाकर के यहां पे 17 वैकेंसी है। IT इलेक्ट्रीशियन वाले इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। अगली वैकेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल मिलाकर के 11 वैकेंसी है। IT इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले आवेदन कर पाएंगे। काम के बारे में आपको बताऊं तो टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टाफ, यानी कि जो वैज्ञानिक और तकनीकी स्टाफ होगा उसकी हेल्प करने का आपका एक तरीके से काम रहने वाला है। चलिए, कंप्यूटर के लिए यानी कि कोपा ट्रेड के लिए टोटल मिलाकर के 11 वैकेंसी है, और फिटर ट्रेड के लिए टोटल मिलाकर के 5 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 4 वैकेंसी है, और वेल्डर के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी है। मशीनिस्ट के लिए 3 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी है। टूल एंड डाई मेकर के लिए 1 वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी है। टर्नर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। देखिए, इधर साइड के अंदर पोस्ट कोड दे रखा है जिसको आपको अप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मेंशन करना होगा। चलिए आगे, सीट मेटल के लिए 1 वैकेंसी है, और ग्लास ब्लोअर के लिए 1 वैकेंसी है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 1 वैकेंसी है। तो इस हिसाब से इन्होंने वैकेंसी बता रखी है। चलिए, उसके बाद में अपन और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें तो आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका एक ट्रेड टेस्ट होने वाला है, उसके बाद में आपका एक कंपटीशन एग्जाम होगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर है 150% उसके अंदर आएंगे। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर रहेगा। कोई भी दिक्कत नहीं, एक ही पेपर होगा लेकिन उसके अलग अलग पार्ट होंगे। पहला पार्ट रीजनिंग से संबंधित होगा, 50% पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरा पार्ट जीके और इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, दोनों के 25-25% पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। 3 नंबर जो पार्ट होगा इसका 50% टेक्निकल के पूछे जाएंगे, प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 3 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं होने वाली है। बात कर लेते हैं अप्लाई करने के तरीके के बारे में, बहुत ही अलग तरीका है। 100 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD आपको बैंक से बनवाना है, जो कि पेएबल कहां पे होना चाहिए, देखिए डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में ये पेएबल होना चाहिए। उसके बाद अप्लाई करने वाला जो आपका लिफाफा है, इनवेलप है, उस पे आपको मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, और यहां पे आपको पोस्ट कोड है वो मेंशन करना होगा। और भेजना कहां पे है, कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली का एड्रेस दे रखा है, इस पे आपको सेंड करना होगा। 3 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है।
आवेदन करने का जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाओगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, सभी डॉक्यूमेंट के साथ में डीडी कटवा करके इस मतलब क्या कि फॉर्म को फिल करके आपको भेजना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद में आपका डिमांड ड्राफ्ट है, उसके बाद में 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, IIT की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो वो भेज देना, मूल निवास वगैरह सभी डॉक्यूमेंट है, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड करना होगा। न्यू दिल्ली का जो मैंने आपको एड्रेस बताया उस पर आपको सेंड करना होगा। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आवेदन आप जरूर कर देना। मेरे हिसाब से वैकेंसी काफी अच्छी है, भारत सरकार की नौकरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां पर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक यू।